हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम मज़े में होंगे। और अभी जो का है सुबह का टाइम और वही मैं लग गई हूँ नाश्ता वास्ता बनाने में। तो नाश्ते में आज बन रहे हैं छोले और भटूरे अभी अंश के फरमाइश पे, और साथ में बन रही है टिफ़िन पापा के लिए ऑफिस के लिए। तो यहाँ पे बस मैंने छोले वोले उबाल के रख दिए थे, पहले ही बॉयल करके रख दिए थे, और प्याज टमाटर और लहसुन वगैरह भी छील के रख ले रही हूँ। ये काम करती हूँ मैं अभियांश को पढ़ाते टाइम में कि ये भी हो जाएगा, और साथ में अभियांश को पढ़ा लूँगी। तो यहाँ पे मेरा कुकिंग ऑयल हो चुका है गरम, और इसके अंदर मैंने डाल दिया जीरा, तेज़पत्ता, एक छोटी सी स्टिक दालचीनी की, और एक जो फूल जैसा आता है ना खड़े मसाले में वो। और यहाँ पे मैंने पहले डाले थे लहसुन, और उसके बाद में जब लहसुन भून गया तो प्याज डाल दिया, और जब प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद में मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ टमाटर, और टमाटर को भी अच्छे से भून लेना है। और टमाटर जाता है तो साथ में जाता है नमक, क्योंकि ये जल्दी भी गल जाता है इसे टमाटर, और दूसरा खट्टापन भी नहीं आता ज़्यादा। और इसके साथ में मैंने ऐड कर दी है थोड़ी सी हल्दी, और जब ये सब्जियाँ अच्छे से थोड़ी सी पक जाएंगी, थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ करेंगी, तो उसके बाद में इसमें ऐड कर देंगे मसाले। तो मसाले वही अपने बेसिक मसाले, नमक, मिर्ची, हल्दी वगैरह। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची ऐड की है, और धनिया ऐड किया है, और साथ में ना मैं देगी मिर्ची यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा कलर लाने के लिए। और वैसे तो इसमें छोलों में आप कर सकते हैं चाय पत्ती का पानी, काफ़ी लोग यूज़ भी करते हैं, लेकिन मेरे को नहीं अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने नहीं यूज़ किया। और यहाँ पे बस मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दे रही हूँ, गरम मसाला बिल्कुल ही नाम का डालती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ, और वो भी पकते टाइम ही डालती हूँ, बाद में नहीं डालती हूँ। पकते टाइम भी क्या होता है कि मसाले साथ में पक जाता है। और ये मेरे जब सारे मसाले पक गए हैं तो इसके अंदर जो एक आलू डाल रही हूँ ग्रेवी के लिए, ग्रेवी इससे अच्छी हो जाती है। कभी कभी तो जो छोले होते हैं उनको भी तोड़ लेती हूँ, लेकिन मम्मी को वो छोले टूटे हुए पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा आलू ऐड किया है मैंने। और आलू डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, और अच्छे से पकने के लिए रख देंगे ताकि मसाले भी अच्छे पक जाएं, और इसमें एक अच्छी सी तरी बन के, मतलब जो टेस्ट बन के आता है ना वो बन के आए। और जब तक छोले बन रहे हैं तब तक मैं कर ले रही हूँ भटूरों की तैयारी। तो यहाँ पर लिया है मैंने मैदा, और भटूरे मैं ना एक एक दो दो ही बना रही हूँ सबके लिए, ज़्यादा कुछ बना नहीं रही हूँ, क्योंकि मैंने आटा भी लगाया है, क्योंकि एक बार ये भी नाश्ते में खाएंगे सब लोग, उसके बाद में तो रोटी खानी है सबको। और ये मेरी इस तरी एकदम से बन के सब्जी, मतलब मसाला पक्के हो चुका है रेडी, और इसमें ऐड कर दूँगी मैं छोले, और काफ़ी अच्छे बनते हैं, और अभियांश को तो काफ़ी पसंद है छोले पूरी, उसको हर रोज़ खिला दो, चाहे जो चीज़ उसको पसंद है वो तो आप डेली खिला सकते हो, लेकिन जो पसंद नहीं है वो तो वो उल्टी कर करके खाता है, वोमिट करता रहता है कि ये मेरे को क्यों खिला दिया आप लोगों ने। और यहाँ पे जो मैदा था उसके अंदर मैं ऐड कर दे रही हूँ थोड़ी सी सूजी। सूजी डालने से क्या है कि थोड़े से तो खस्ते बनते हैं और अच्छे लगते हैं, तो थोड़ी सूजी है, थोड़ा सा मैदा है, आप चाहो तो आटा भी डाल सकते हो। और इसके अंदर मैंने बिल्कुल एक पिंच मीठा सोडा डाला है, और थोड़ा सा नमक डाल के सारी चीज़ें छलने से छान लें ताकि इनको अलग से मिलाने की ज़रूरत ना पड़े। और इसमें डाल दूंगी मैं एक चम्मच चीनी। और यहाँ पे ना मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था रखने का, इसलिए मैंने मीठा सोडा डाला है, वरना मैं मीठा सोडा कभी यूज़ नहीं करती भटूरों में, मैं सिर्फ दही का यूज़ करती हूँ। और अभी भी मैंने दही डाला है थोड़ा सा खट्टा दही। तो बस इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला के और इनको अच्छे से गूँथ लेना है पानी डाल के, थोड़ा सा नॉर्मल आटा गूँधना, जैसे कि हम रोटी बनाते टाइम में गूँधते हैं उसी टाइप का। और आटे को अच्छे से हथेली की दाब लगा के गूंथ लेना है, एकदम से सॉफ्ट आटा गूंदना है, ज़्यादा टाइट नहीं। और आटा मेरा गूंथ के हो चुका है रेडी, इसके ऊपर थोड़ा सा घी यूज़ करके एक बार फिर से गूंथ ले रही हूँ, और इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख दे रही हूँ। वैसे मैं घंटे घंटे के लिए भी रेस्ट पर रख देती हूँ जब मीठा सोडा नहीं डालती हूँ, लेकिन अभी मेरे को जल्दी में बनाना है इसलिए मैंने इसमें मीठा सोडा यूज़ किया है। और हाँ, मैंने थोड़ी अजवाइन भी डाली है जो मैं दिखाना भूल गई थी।
और यहाँ पे सब्ज़ी बन के हो चुकी है रेडी। और मैं इसमें रख रही हूँ थोड़ी सी ग्रेवी, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, क्योंकि ये पड़ी पड़ी भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है ना सब्ज़ी छोले वगैरह की, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी रख रही हूँ। और साथ के साथ लगे हाथ में लगा दे रही हूँ गेहूँ का आटा रोटियाँ बनाने के लिए, तो ये काम भी साथ के साथ ही निपट जाएगा मेरा। और किचन का काम मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है, आटा वाटा लगा के रख दिया। जब तक आटा रेस्ट करेगा तब तक मैं सोफे वो फिर से इधर उधर सब झड़का दूँगी, और पापा नहीं नहाए हैं, वो नहाने के बाद में ही नाश्ता करेंगे, तो तब तक मैं ये झाड़ू वाड़ू निकाल लेती हूँ दोस्त, उनके नहाने के बाद में तुरंत नाश्ता बना दूँगी। और अभी वापस आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि झाड़ू वाड़ू मैंने निकाल लिया है, डस्टिंग वगैरह हो चुकी है मेरी, और अभियान सभी तक सोया है, बस उसका बेडरूम बाकी है, और पापा आ गए थे नहा के, तो बस यहाँ पे लग गई हूँ मैं नाश्ता बनाने में, और अभियान को भी उठा के आई हूँ क्योंकि 10 बज चुके हैं, तो वो उठ जाएगा तो मेरा फट जल्दी काम हो जाए निपट जाएगा। और काम मेरा 11 बजे तक ही बनता है, और नहा तो मैं सुबह भी लेती हूँ, लेकिन मेरे को ये कि जब काम पूरा बन जाएगा तो मेरे को फिर से नहाना है, इसलिए मैं कभी नहा लेती हूँ कभी स्किप कर देती हूँ, ऐसा ही रहता है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बना ले रही हूँ भटूरे। और यहाँ पे लग चुकी है मेरी थाली गर्मा गर्म भटूरे, छोले, सैलेड, अचार और लस्सी, तो आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म नाश्ता करने। और बस किचन का पूरा काम सलटा दिया है, किचन साफ़ कर दिया है, बर्तन बर्तन सब साफ़ कर दिया, अभियान से भी उठ गया था तो यहाँ पे चदरे वदरे रह गई थी उसकी समेटे वगैरह, तो ये भी समेट के लगा दे रही हूँ। और उसको अभियान को नाश्ता भी करवा दिया था सुबह उठा के, उठे हुए तो उसको काफ़ी देर हो गई, लेकिन मैं किचन में थी तो ये बाकी रह गए थे मेरे समेटने, तभी बस पोछा लगाना है और ये चदरे वदरे ठीक, इसी बेडरूम की बच्ची हुई है तो वो ठीक कर दे रही हूँ। और ये वीडियो है गणपति की, गणेश चतुर्थी की, ऑफिस में गणपति पप्पा बैठाते हैं तो बस उसी की है, और ये आ गए हमारे गणपति पप्पा, तो बोलो सारे गणपति पप्पा मौर्या। और वापी में ना काफ़ी अच्छे अच्छे गणपति बैठाते हैं जो हम लोग देख के भी आते हैं शाम के टाइम में, तो जब भी अभी जिस टाइम भी हम दर्शन करने जाएंगे आप लोगों को ज़रूर कराएंगे। और सब लोग अपने अपने घरों में बैठाते हैं तो सब लोगों के घरों में भी बुलाते हैं कि पप्पा के दर्शन करने आना है, तो ये बस हमारे नीचे पहुँच गए थे पप्पा के दर्शन करने। और देखिए कितना सुंदर सजा रखा है इन्होंने भी, ये टेबल ऊपर।
चलो भाभी चले गिरा दिए क्या? ए ए ए